अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 16x16 की केबल बनाते हैं। ये तस्वीर वीडियो पे आप देख रहे हैं, ये पैटर्न तैयार है बिल्कुल, और ये जर्सी की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। ये पैटर्न मैंने ऑलरेडी तैयार कर लिया है ताकि हम लोगों का टाइम बच सके। अगर शुरू से स्टार्ट करता तो काफ़ी टाइम लग जाना था, इसलिए ये कमांड मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी यूज़ हुई है। ये फ्रंट बेड की है, ये साथ में बैक बेड की, और उसके अलावा केबल में जो कमांड यूज़ होती है वो आपको पता ही है, 5 नंबर और 4 नंबर, उसके ऊपर 14 नंबर और 15 नंबर, ठीक है। उसके बाद हमने कैरियर सेटिंग कैसे की हुई है, बिल्कुल आसान तरीका है। ये हमने लेफ़्ट साइड से चलाया है 4 नंबर कैरियर और राइट साइड से 5 नंबर कैरियर। 5 नंबर कैरियर के पीछे हमने कैरियर मूव लगाया 5 नंबर बार लाइन में, और साथ में ये स्टिच क्वालिटी है। उसके बाद हमने इकोनोमाइज़र लगाए हुए हैं। इकोनोमाइज़र मैं इसलिए यूज़ करता हूँ ताकि पैटर्न ज़्यादा बड़ा ना बनाना पड़े, और आमतौर पे भी हम पैटर्न में इकोनोमाइज़र का यूज़ करते हैं। तो मैं दिखा देता हूँ कमांड नज़दीक से, बिल्कुल सिंपल सी रिपीट है इसकी, कोई मसला नहीं है। ये 4, 5 और साथ में 14 और 15, बिल्कुल यही आप रिपीट जितनी बड़ी करते जाएंगे उतनी बड़ी जो है आपकी केबल बना सकते हैं। आज मैं फ़र्स्ट टाइम वॉइस ओवर कर रहा हूँ, अगर किसी भाई को ऐसा लगे कि डर के बोल रहा हूँ तो भाई हाँ बोल डर के बोल रहा हूँ, कभी ऐसा का काम किया नहीं है, कभी टीचिंग नहीं की, कभी किसी को पढ़ाया नहीं है, बस ये आप दोस्तों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। उसके बाद ये कमांड यूज़ हुई है 20 नंबर की, जब केबल हम 4 नंबर को कैरियर को नेट करवाते हैं उसके बाद ये बैक पे ट्रांसफ़र करती है, और जब राइट साइड वाला 5 नंबर कैरियर आके नेट करता है तो वो अलग से नेट होती है। ये अभी सिमुलेशन में आपको दिख जाएगा 5 नंबर और 4 नंबर कैरियर का। आप दोनों में सेम धागा भी यूज़ कर सकते हैं या अलग अलग भी, जैसे आपकी मर्ज़ी। एक मैंने इधर केबल बनाई हुई है और दूसरी मैंने यहाँ पे, और इसका इकोनोमाइज़र मैंने लगाया हुआ है दोनों का, ताकि आप जितना चाहे इसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये 316 का जो है वो हमारा इकोनोमाइज़र शो कर रहा है। चलें टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इसको प्रोसेस करते हैं। 122 SES FF पे रख लें, S पे रख लें, जो आपकी मशीन का टाइप है उस पर रख के आप इसको कर सकते हैं। ये 4 नंबर कैरियर आ गया रिब में, उसके बाद 4 नंबर और 5 नंबर राइट साइड पे, ठीक है, कैरियर पोजीशन ठीक है। ये इकोनोमाइज़र है, ये बॉर्डर का मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये उसके बाद केबल का, ओ सॉरी, केबल के नीचे का और केबल के ऊपर का, जो हमने प्लेन जगह रखी हुई है ये आप देख रहे हैं। उसके बाद ये केबल का, ये आप जितना ज़्यादा यानी कि करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। ये होगी हमारी सेटिंग, यहाँ से आप अपनी डायरेक्टरी सेलेक्ट करें, ठीक है, यहाँ पे नाम रख लें आप कुछ भी, केबल लिखा हुआ है, ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। लो ये आउटपुट डाटा प्रोसेस होके इसको हम देख लेते हैं। सिमुलेट स्टार्ट, नो एरर फाउंड, यानी कि पैटर्न आपका ओके है। चेक के बाद हम देखते हैं कि मिनिमाइज करके सब कुछ, ये सिमुलेशन है इसकी, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये 4 नंबर कैरियर ब्लू कलर का शो कर रहा है और ये राइट साइड पर 5 नंबर। इसको जूम करें तो आपको ट्रांसफ़र के कलर नज़र आएंगे, ये देखें, ठीक है। उसके बाद ये देखें 1x1 जो मैं बता रहा था आपको, ये 5 नंबर अलग से 1x1 निट करेगा और उसके बाद 4 नंबर अलग से 1x1 निट करेगा, ठीक है। ये आप एरो देख रहे हैं, ये पिंक कलर 5 नंबर का और कैरियर का, और 4 नंबर कैरियर का ब्लू का, ब्लू रंग का। ये बिल्कुल ऐसे ही आप इंक्रीज करते जाएंगे तो ये केबल बनती जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ,
और अगर आपको किसी भी किस्म का कोई पैटर्न चाहिए तो मुझे बताएं, मैं आपके लिए वो वीडियो बना दूंगा। एक बार आप नज़दीक से ये कमांडें देख लें। ये रिपीट है इसकी, ये आप देख लें। ये आप जितना बड़ा करते जाएंगे उतना बड़ा आपका पैटर्न होता जाएगा। ओके गाइस, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।